मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन गिरफ्तार, फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाकर करते थे ठगी। नवी मुंबई की एनआरआई पुलिस ने फर्जी नाम पर फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाकर बैंकों और कारपोरेट कंपनियों को चूना लगाने वाले एक गिरोह की महिला सरगना गीता गुप्ता और पूनम जायसवाल समेत उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। जोन वन डीसीपी सुरेश मेंगने ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एचडीएफसी बैंक के विजिलेंस ऑफिसर ने इनके खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने गीता गुप्ता और उसके दो साथी शोएब शेख और अकरम शेख को पुणे से गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उनसे 20 अलग अलग नामों पर बने आधार और पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। आरोपी पहले बजाज फाइनेंस में काम करते थे, जहां से उन्होंने लोगों का डेटा चुराया और फिर बड़ी धोखाधड़ी शुरू कर दी। आइए सुनाते हैं पुलिस उपायुक्त ने और क्या कुछ कहा। गीता गुप्ता नाम की एक महिला और उसके दो साथीदार, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है नवी मुंबई में एनआरआई पुलिस स्टेशन में, ये लोग फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पैन कार्ड यूज़ करके बैंक में अकाउंट ओपन करते थे और उसको जो मोबाइल नंबर देते थे उसी मोबाइल के आधार पर वो मोबाइल शॉपिंग में जाके महंगा मोबाइल खरीदते थे, 1 लाख 1.5 लाख वाला, जितना महंगा है वो। और वही जो बैंक के लोग, फाइनेंस के लोग बैठे होते, उनको लोन के लिए देते थे, वो बैंक से जब वेरीफाई करते थे, वो मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद जो उनको ओटीपी आता था, वो ओटीपी शेयर करने के बाद उनको मोबाइल मिल जाता था। ये तरीका यूज़ करके ये तिकड़ी ने इनमें से और एक एक्यूज वांटेड है, इसमें से जो महिला है गीता गुप्ता, इसने अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम देके, फ़ोटो में कुछ अलग अलग फ़ोटो भी देके बनावट आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाए थे। अभी तक पता चला इन्वेस्टिगेशन में कि इन लोगों ने उनके पास से 58 फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पैन कार्ड बरामद किए हैं। अभी वेरीफाई कर रहे हैं हम कि इन लोगों ने और इसके बावजूद कहां का इस तरीके से ऑफेंस को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।